वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। आज आपको मैं बहुत रेडी हुई दिख रही हूँ और बहुत खुश भी दिख रही होंगी। टुडे आई एम वुमेन इन रेड क्योंकि मैंने पहनी है लाल खतरनाक वाली साड़ी, खतरे वाली साड़ी। लाल कलर खतरे का सिंबल होता है। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो थोड़ी देर गेस करो। अरे कर लो यार, थोड़ी देर में तो रिवील होना ही है ना। गेस तो करो कहाँ जा रही हूँ मैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वीडियो में आपसे मिलने आ रही थी इसलिए मैं इतना ज़्यादा रेडी हुई। और इतना ज़्यादा रेडी होने का दूसरा कारण ये है कि मैं आपको कुछ ज्वेलरी पीसेस दिखाने वाली हूँ आज, जो कि बहुत 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 क्या बोलूँ, बहुत बहुत बोलना भी बहुत कम होगा इसके लिए। बहुत ही बेहतरीन सेट्स है। आई एम इन लव विथ ऑल दीज सेट्स। तो अभी तो मैंने पूरा एक ब्राइडल सेट पहना हुआ है जिसमें एक ये हार है, ये नेक पीस है एंड ये इयररिंग्स है। तो इन सब की डिटेलिंग जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो ये मुझे भेजा है स्पूर्ति ज्वेल्स ने। मेरे को चार पीसेस भेजे हैं उन्होंने ताकि मैं आपको उनकी ज्वेलरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ। मुझे तो जो मैंने सोनी की ज्वेलरी अभी कुछ दिन पहले ली है, मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि मैंने क्यों खरीदी यार, यही खरीद के रख लेते तो काफ़ी था ना। तो स्पूर्ति ज्वेलर्स वाले जो हैं एक ज्वेलरी में लीडिंग होलसेलर्स है, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेन टेंपल ज्वेलरी या ब्राइडल ज्वेलरी एंड फंक्शन से रिलेटेड जो भी ज्वेलरीज होती है वो सारी आपको बहुत ही फाइन वर्क के साथ प्रोवाइड करते हैं। आपको देख के लगेगा कि नहीं कि ये 1 ग्राम गोल्ड वाली ज्वेलरी है, आपको लगेगा कि ये असली में डायमंड वाली एंड गोल्ड वाली ज्वेलरी है। इवन नोबडी विल एबल टू रिकॉग्नाइज। एंड आजकल तो लोग ज़्यादातर जो है सोने को छोड़ के ऐसी ज्वेलरी को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक तो आप डिफरेंट ओकेशन में डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज पहन सकते हैं और सेफ्टी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सोने को या डायमंड्स को तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बैंकों में रखना पड़ता है। लेकिन ये जो ज्वेलरीज है पहनने के बाद इतना ग्रैंड लुक भी आता है एंड सेफ्टी पर्पज़ भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस बहुत ही अफोर्डेबल है सारे। तो मेरे पास जो भी चार पीसेस है वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। और ज्वेलरी दिखाने से पहले एक और ख़ास चीज़ ये कि अगर आपको ये सारी ज्वेलरीज पसंद आती है तो मैं इनके फ़ोन नंबर्स दे रही हूँ। इनके दो ही फ़ोन नंबर्स है और स्पूर्ति ज्वेलर्स के कोई और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं कि स्पूर्ति ज्वेलर्स का नाम, ग्रुप का नाम बना के थोड़े फेक अकाउंट्स बना के थोड़ा मिसगाइड कर रहे हैं, इसलिए ये वाला एक नंबर और ये वाला एक नंबर, ये दोनों नंबर ही स्पूर्ति ज्वेलर्स के हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और इनके पूरे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इनका इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक का भी पेज है जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप इनके ज्वेलरी कलेक्शंस को देखना चाहते हैं देन यू कैन गो ऑन दोज पेजेस एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑफ ऑल दोज ज्वेलरी पीसेस। और एक से एक जो है ज्वेलरी पीसेस अवेलेबल है। तो अभी मैं जो आपको चार पीसेस दिखाने वाली हूँ, तो मेरे को आने के बाद जो है इतने ब्यूटीफुल है तो स्टॉक में कैसे रह सकते हैं। तो इनमें से दो पीसेस जो है थोड़े स्टॉक आउट हो गए, लेकिन कुछ दिनों में फिर से जो है स्टॉक इन भी हो जाएंगे, तो चिंता मत कीजिएगा। लेकिन हमेशा जो है स्पूर्ति ज्वेलर्स पे एक आंख गाड़ के रखिएगा कि कब जो आपको पसंद आ रहा है आप उसको ले पाएं। तो इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। जब भी आप स्पूर्ति ज्वेलर से कुछ भी खरीदते हैं आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी डैमेज मिलेगा, बिकॉज वो इतनी अच्छी तरह पैकिंग करके भेजते हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि कैसी पैकिंग रहती है उनकी। तो वो जो भी आइटम्स भेजते हैं ऐसे बॉक्सेस में, अगर छोटी ज्वेलरी है तो छोटा बॉक्स होता है, बड़ी ज्वेलरी है तो बड़ा बॉक्स होता है, इस हिसाब से ऐसे बॉक्सेस में होता है। एंड ये भी पूरी तरह बबल रैप होके आता है और जो भी अंदर की ज्वेलरी है वो भी एकदम सिक्योर होके आती है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई आइटम टूटा हुआ मिल सकता है ऐसा कुछ, तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई ज्वेलरी पसंद आती है और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो जो मैंने फ़ोन नंबर्स दिए हैं उस पर आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही कॉल कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत लोग इतने उत्सुक हो जाते हैं देख के, क्योंकि कोई कोई रात को भी देखते हैं मेरे वीडियो और आधी रात को भी देखते हैं और देखते ही लगता है नंबर लगाओ और अभी ले लो वो चीज़ें। तो इसलिए 11 to 6 इंडियन टाइमिंग्स जो है आप उसी टाइम में उनको कॉल कीजिए, तो वो आपको अटेंड करके आपके जो भी क्वेरीज है, अगर आपको कौन सा पीस लेना है, अगर आपको कोई और टाइप का पीस भी चाहिए तो दे कैन सजेस्ट यू। तो इसलिए आप 11 to 6 के बीच में ही कॉल कीजिए। और ये दोनों नंबर के अलावा स्पूर्ति ज्वेलर का और कोई नंबर नहीं है। अगर आपको बोलता है कोई कि स्पूर्ति ज्वेलरी की जो ज्वेलरी है हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए मैं पहले आपको एक एक करके सारी ज्वेलरी का एक ओवरव्यू देती हूँ और उसके बाद सारी एक एक करके पहन के भी दिखाती हूँ। तो पहले एक लुक ले लीजिए सारी ज्वेलरी का।
डिस्प्ले करके रखी थी ताकि आपको ओरिजिनल पता लगे कैसा दिख रहा है एक पीस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हम कपड़े पहनते हैं उसकी वजह से अलग अलग ग्लेयर पड़ता रहता है, टचेस समझ में नहीं आता है। तो अभी मैंने ये जो रेड साड़ी पहनी है इसके साथ ये पूरा ब्राइडल सेट पहना है जिसमें आए हैं ये वाले इयररिंग्स, ये नेक पीस एंड ये हार। तो मैं इसका जो इयररिंग है ये देखिए कैसा है, तो एक बार ये पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको जो मैंने पहन रखा है। और इसकी बनावट इतनी अच्छी है, ये चेन बहुत ही फ्लेक्सिबल है देखिए, और यहाँ पीछे चेन लगी हुई है। अगर आपको लंबा नहीं पहनना है, अगर आप छोटा पहनना चाहते हैं तो आप इसको छोटा करके भी ऊपर तक भी ऐसे पहन सकते हैं। मैंने तो लास्ट लुक में लगाया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेक पीस पहन के रखा है, तो लंबा जब नेक पीस पहनते हैं तो दूसरा वाला जो हार होता है लंबा होता है तभी लुक आता है। अगर आप ये अकेला पहनना चाहते हैं तो आप दोनों में पहन सकते हैं, अगर लंबा आपको पसंद है तो लंबा पहन सकते हैं, अगर छोटा पहनना चाहते हैं तो छोटा भी पहन सकते हैं। तो देखिए इसको छोटा करके इस हिसाब से भी पहना जा सकता है, राइट, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और पीछे से भी इसमें इतना अच्छा काम किया है कि आपको कहीं से भी कुछ भी चुभने वाला नहीं है। तो अगला पीस है ये वाला, तो एक से एक पीस है। मैं अगर किसी को रैंक देना चाहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊँगी कि ये पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैंने सिलेक्शन ही चारों ज्वेलरी की इतनी यूनिक करी थी ताकि एक दूसरे से जो है बिल्कुल भी मैच ना हो पाए और हर एक में एक क्लास रहे, एक यूनिकनेस दिखे। तो ये वाला है अगला पीस, बट ये वाला अभी स्टॉक आउट हो गया है। तो जो मैंने नीचे स्पूर्ति ज्वेलर्स का इंस्टाग्राम पेज दिया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जब भी ये स्टॉक इन हो जाएगा तो वो वहाँ पे नोटिफाई कर देते हैं इंस्टाग्राम पेज पे कि दोबारा स्टॉक इन हो गया है, तब आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये वाला एक स्टॉक आउट हो गया है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड क्लासी पीस। आप देखो कितना रिच लुक दे रहा है ये। अगर किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में अगर आप ट्रेडिशनल नहीं पहनना चाहते हैं तो दिस इज़ समथिंग यू नो विच विल गिव यू अ मॉडर्न लुक एज वेल एज ट्रेडिशनल लुक। मतलब इसमें कोई आपको बोल नहीं सकता कि आपने ट्रेडिशनल पहना है या मॉडर्न पहना है, बिकॉज दिस विल फुलफिल ऑल टाइप ऑफ यू नो ज्वेलरी का जो भी कैटेगरी, सबको फुलफिल कर देता है। तो इसका पूरा लुक देखिए ऐसा है। ज्वेलरी जो होती है ना, जब तक दीवार पे है या नीचे है तब तक उसका लुक पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो ज्वेलरी एक औरत पहन लेती है तब उसकी जो शोभा है उस ज्वेलरी की और भी बढ़ जाती है। तो दिस इज एक्चुअली अ ऑसम ऑसम पीस, आई एम जस्ट लविंग इट। देखो और कान के भी देखिए कितने ब्यूटीफुल है। जब भी मैं पहन रही हूँ मेरे को तो थोड़ी देर देखने का मन कर रहा है, उतारने का मन ही नहीं कर रहा है मेरे को, और दो भी दिखाने हैं आपको। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, रियली ब्यूटीफुल। एंड ये जो स्टोन्स भी इसमें गड़े हुए हैं इतने स्मूथ तरीके से इसके कारीगरी की हुई है। इसके पीछे भी देखिए कितना स्मूथ है ये देखिए, और ऐसा वर्क किया हुआ है इसके पीछे भी। तो अगर ये उल्टा भी घूम जाता है तो भी अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और नेक्स्ट ज्वेलरी दिखाने से पहले एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो डोरी है इसके नीचे भी उन्होंने देखिए ऐसे ये बीट्स लगा रखे हैं जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। मैंने जब सोने की ज्वेलरी खरीदी थी उसमें नॉर्मल सा धागा लगा था, पीछे ऐसे धागे धागे लट रहे थे, लेकिन कुछ भी अच्छा सा पर्ल ऐसा कुछ भी नहीं लगाया था, लेकिन दिस इज समथिंग ऑसम। सो ये चीज़ें जो है नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं पक्का बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट ज्वेलरी है ये भी मतलब बोल नहीं सकते कि हर पीस लाजवाब पीस है। और इसका इयररिंग देखिए कुछ ऐसे हैं, ये देखिए नीचे एक ड्रॉप है, और ये जो भी इसमें आपको बीड्स दिख रहे हैं वो ब्लू कलर के बीड्स है, तो जब ग्लेयर पड़ता रहता है तो थोड़ा ब्लैकिश भी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये है ब्लू कलर का। तो
लग रहा है कि नहीं? अच्छा, बहुत ही, मतलब ये मैंने कलर की साड़ी भी इसलिए पहनी ताकि इसके साथ हर ज्वेलरी, रेड के साथ जो है हर टाइप की ज्वेलरी सूट हो जाती है, तो दिस इज एक्चुअली लुकिंग वेरी ऑसम, है ना? तो ये जो सारी ज्वेलरी है मैंने नॉर्मली जब आई थी उसके बाद जो घर के कपड़े होते हैं उनमें पहन के देखा था, तब जो है तब भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अभी जब मैंने इसको साड़ी के ऊपर पहना है तो मुझे खुद से ही प्यार हो गया इसको देख के। तो इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है कि मैं, मतलब इसके इमोशन में बह के मैं कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हूँ आज, है ना? तो मुझे ज़रूर बताना कि ये वाली भी कैसी लगी। तो ये था अपना तीसरा पीस। इसमें जो है चेन लगी है, जैसे मैंने आपको नेक पीस दिखाया था वैसे वाला, और बहुत ही फ्लेक्सिबल पीस है ये, देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल वाला है, आपके गले में कहीं भी स्टिफनेस नहीं लगेगी, कहीं पे भी कुछ चुभ रहा ऐसा नहीं लगेगा, बहुत ही स्मूथ एंड वेरी नाइस फिनिशिंग वाला है। एंड ये भी फिलहाल स्टॉक आउट हो गया है, तो दो तीन दिन पहले ही स्टॉक आउट हो गया, तो जब तक आप अपना मन बना लेंगे कि आपको ले ही लेना है तो आप जो है इसको ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे पेज को भी फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और उनका स्पूति ज्वेलर्स का जो नीचे मैंने दिया है उसको भी फॉलो कर लेना। तो कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सो ऑसम ज्वेलरी। अभी आ जाते हैं लास्ट पीस पे। कैसा लग रहा है? इट इज़ एक्चुअली अ वेरी ट्रेडिशनल पीस, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना, और इस वाली साड़ी के साथ भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और क्या बोलूँ, और इसके ऊपर देखिए पीकॉक बना हुआ है यहाँ पे, और इसके इयररिंग्स भी, ऐसे इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो झुमकी टाइप होते हैं, बहुत ही पसंद है मुझे। तो ये देखिए इसकी झुमकी पे भी यहाँ पे ऊपर जो है मोर बना हुआ है, और इसके ऊपर भी छोटी छोटी नक्काशी की गई है, और यहाँ पे देखिए ये कलर कलर के बीड्स लगे हुए हैं, और नीचे ये ड्रॉप्स लटक रहे हैं सारे के सारे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, एंड फंक्शंस में शादी के टाइम पे बहुत ही अच्छे लगेंगे ऐसे वाले पीस, तो आप चाहे तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। एक बार ऊपर से नीचे भी इसका भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, तो मुझे तो लग रहा है अभी जैसे ही मैंने पहना है कोई ना कोई इनविटेशन मिल जाए और मैं ना एकदम ग्रैंड एंट्री वालू वीआईपी वाली और मैंने ये पहना हो तो मज़ा ही आ जाए, है ना? तो कल परसों अगर ये मैंने पहन लिया होता तो मैं बाजू वाली जो शादी हो रही थी उसमें जाके आ जाती ऐसी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा नहीं, इसको तो अच्छा लगना नहीं बोलते हैं, फैब लगना बोलते हैं इसको। तो ऑसम दिख रहा है ये। तो इन सब के प्राइजेस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और साथ साथ मैंने जो भी मैंने नेक पीस पहना है उसके साथ भी मैंने रेट डाल दिया है। तो अगर आपको लगता है आपको ये परचेज़ करनी है ज्वेलरी, तो जल्दी से जल्दी जाके खरीद लीजिए, वरना जो बचे हुए पीस है वो भी स्टॉक आउट हो जाएंगे। और इसके अलावा भी, मतलब जब सिलेक्शन करने पे जाते हैं हम स्पूर्ति ज्वेलर्स पे, तो इतना कन्फ्यूजन होता है कि लेना कौन सा है, बिकॉज एक से बढ़कर एक सारे पीसेस है। तो इसलिए अगर आपको ये वाले लेने हैं सेम टू सेम, तो आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा भी आप जैसे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ज्वेलरी दिख जाएगी, तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आपके चॉइस वाली भी आपको मिल जाएगी। तो पक्का एक बार विज़िट कीजिएगा, और फ़ोन नंबर्स मैंने दिए हुए हैं उसके ऊपर कॉल कर लीजिएगा 11 से 6 के बीच में। तो ये सारी ज्वेलरी थी जो मेरे को स्पूर्ति ज्वेलर्स ने प्रोवाइड की, तो थैंक यू स्पूर्ति ज्वेलर्स फॉर सच वंडरफुल ज्वेलरी। एंड आप जिसको भी ये ज्वेलरी प्रोवाइड कर रहे हैं दे विल फील ऑसम आफ्टर यू नो रिसीविंग दिस। तो ये वाली एक ज्वेलरी है। एंड एक और चीज़, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी, स्पूर्ति ज्वेलर्स ने मुझे जो है न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पे एक और पीस भेजा है जो मुझे इनके अलावा कल रिसीव हुआ है, वो सेपरेटली, तो मुझे भी नहीं पता था, उन लोगों ने बाद में बताया। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस, क्या बताऊँ, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ क्योंकि मुझे कैसे भी रिसीव हो ही गया है। तो अगर वो भी अवेलेबल होगा, वो कितने का है ये सब तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो एज अ गिफ्ट मुझे उन लोगों ने न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर भेजा है। तो अगर आपको वो सेम पीस भी चाहिए तो आप फ़ोन करके पता कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको पहन के। ये है वो लास्ट पीस, आई मीन इसका रेट मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे पूछिएगा मत, सीधा उनको फ़ोन करके पूछिएगा।
तो इतना ब्यूटीफुल है। ये भी एक स्मॉल नेक पीस है और इसके साथ ये वाले इयर रिंग्स आए हैं, तो इसका भी मैं एक क्लियर पिक्चर आपको दिखा दूंगी आपको, आई मीन इसको दिखाने के बाद में। तो ये आप ड्रेसेस के ऊपर भी पहन सकते हैं, एवरीडे वेयर में कहीं पे भी जा रहे हो तो आप पहन सकते हो शॉपिंग के टाइम पे या कभी भी। तो बहुत ही नाइस एंड स्वीट एंड सोबर वाला पीस है ये। तो एवरी ज्वेलरी पीस इज यूनिक डिफरेंट, मेरे को सारे पसंद है। तो मुझसे ये मत पूछिएगा कि आपका फेवरेट कौन था, क्योंकि कौन सा था, क्योंकि सारे के सारे मेरे फेवरेट है, मैं रैंक नहीं कर सकती इसको। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ज्वेलरी हॉल मान लीजिए। तो आई होप आपको सारी ज्वेलरी बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, पहले तो अगर आपको ख़रीदना है तो उनको कांटेक्ट करना है, नंबर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए, प्लस वीडियो में भी आपको ऊपर दिखा दिए हैं। और अगर मेरे ऊपर आपको बहुत पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक चिपका दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है आजकल ऐसी ज्वेलरी को ख़रीदने के लिए सोचते हैं, लेकिन इतनी फ़ाइन ज्वेलरी बहुत कम जगहों पर मिलती है। तो आप स्फूर्ति ज्वेलर से तो आराम से फ़ोन करो और आपको जो है आपके घर के डोर स्टेप पर आके जो डिलीवरी कर देगा। तो पेमेंट ऑप्शन जो है आपको पेमेंट बैंक के द्वारा आप कर सकते हैं या तो पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको पहले ही पे करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको ज्वेलरी जो है बहुत ही सेफली आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर चाहते हो खरीदना तो देर बिना करे खरीद लीजिए, क्योंकि स्टॉकआउट बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो इन ब्यूटीफुल ज्वेलरी के साथ मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।